हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे दो तरह की बहुत ही इजी स्वीट रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नारियल का लड्डू। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को हम लो कर लेंगे और कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे और घी को हम पिघलने देंगे। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो घी पिघल चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 कटोरी नारियल का बुरादा और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस को हम लो ही रखेंगे। एक मिनट पूरे हो चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। हमने इसी कटोरी से नारियल का बुरादा भी लिया था और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो हमने इसे 3 मिनट के लिए भूना है तो ये थोड़ा थोड़ा क्रंची हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। इसे थोड़ा साइड करके इसके बीच में हम दूध डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसे हम मिला लेंगे। तो अब चीनी पिघलने लगी है तो ये थोड़ा गीला हो गया है तो अब हम इसे ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सुखा लेंगे और हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायची जिसे हमने क्रश करके लिया है और इसे हम लो फ्लेम पे ही सुखा लेंगे। तो अब ये ड्राई हो चुका है आप देख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे 3 बॉल में निकाल लेंगे। तो हमने इसे 3 बॉल में निकाल लिया है। 1 बॉल को हम साइड में रख देंगे और 2 बॉल में हम कलर मिलाएंगे। 1 में रेड कलर डालेंगे और 1 में हम हरा कलर मिलाएंगे। हमने यहाँ पे 1-1 चुटकी कलर का यूज किया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। तो अब ये हल्का ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और हम इसे सूखे नारियल के बुरादे में इस तरीके से लपेट देंगे और इसी तरह हम सभी नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। नारियल के लड्डू बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे सूजी की मिठाई, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर 1 कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी और घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है तो अब हम गैस को लो कर लेंगे और इसमें हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 4 मिनट पूरे हो चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी नारियल का बुरादा और इसे भी हम लगातार चलाते हुए 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं तो अब हम इसे 1 बॉल में निकाल लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और 4 इलायची के दाने डाल देंगे और हम इसमें 1 चुटकी पिंक फूड कलर डाल देंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। तो अब दूध में उबाल आ चुका है तो अब हम गैस को लो कर लेंगे।
और इसमें हम भुना हुआ सूजी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम मिलाते रहेंगे। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो अब ये गाढ़ा होने लगा है तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अब ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, इस तरीके का होना चाहिए। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से और अब हम इसे सूखे नारियल के बुरादे में इस तरीके से लपेट देंगे और इसी तरह हम सभी मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब सूजी की मिठाई और नारियल की लड्डू दोनों ही बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।